पहाड़ों की रानी मसूरी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। साथ ही मां सरकुंडा देवी मंदिर प्रांगण में सभी के साथ मिलकर पौधारोपण किया। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि सरकुंडा माता के मंदिर दर्शन करने गए थे, जहाँ एक जल स्रोत है जिसमें माँ सरकुंडा देवी को पानी ले जाया जाता है। उस स्रोत में पानी बहुत कम हो गया है, जिसके कारण पानी जमीन में नहीं रिस पा रहा है। ऐसे में मन को लगा कि वहां व्यापक वृक्षारोपण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भर्ती घोटाला चिंता का विषय है। इसमें जो योग्य बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ शॉर्टकट वाले रिश्वत लेने वाले लोग हमारी एजेंसी को प्रभावित कर रहे हैं। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। मंदिर गया था और वहाँ पर एक जल स्रोत है जहाँ से पानी मंदिर के लिए जाता है। वहाँ पर मैंने देखा पानी उसमें बहुत कम है और ऊपर जो मंदिर परिसर है उसको भी पूरी तरह टाइल्स से उसको पैक कर दिया गया है, यानी कि जो रिचार्ज का सिस्टम था वो कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब हुआ होगा। हमारे मन में आया कि वहाँ पर हमको एक व्यापक वृक्षारोपण करना चाहिए।